तो जापान के पहाड़ों में एक जगह है जो बौद्ध धर्म के लिए बहुत पवित्र है। इस जगह पर आपको मिलेगा मंदिर, मोनेस्ट्रीज और मिलेगा जापान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी। और इस जगह का नाम है कोयासान। कोयासान फेमस है अपने ओकोनोइन सिमेट्री और टेम्पल्स की वजह से। इस सिमेट्री में 2,00,000 से ज़्यादा टॉम्बस्टोन है और टेम्पल्स कुछ 117। और इन्हीं टेम्पल्स में रहते हैं मॉन्क्स। तो कोयासान के टेम्पल्स की खास बात यह है कि आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो, मतलब आप एक मॉन्क की लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हो, जैसे कि उनकी तरह रहना, खाना, मेडिटेशन करना, चैंटिंग और पढ़ाई करना। तो ये वीडियो उसी एक्सपीरियंस के बारे में। तो आज हम जा रहे हैं वाकायामा। तो आज पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही होगी हेलमेट में, क्योंकि हेलमेट थोड़ा ओपन है ना। तो वाकायामा ओसाका से कुछ है 2 घंटे दूर। और एक बार मैं साइकिल से गया था, तब तो पूरा दिन लग गया था, मतलब यहाँ से 70-80 किलोमीटर है। तो वहाँ पे गए थे, एक रात रुके थे, अब वापस आ गए थे। तो ओसाका से वाकायामा की तरफ जब जा रहा था तो बहुत सारी स्नो पड़ी थी और वो कहीं कहीं पे पिघल भी रही थी। अगर किसी ने बर्फ़ में राइड कर रखा होगा तो उसको आइडिया होगा कि कितना ख़तरनाक होता है ये। अब फाइनली 40 मिनट पहाड़ चढ़ने के बाद अब जाके शहर आया है। पूरा खाली पड़ा यार। तो विंटर्स के वक्त वाकायामा में बहुत बर्फ़ पड़ती है और इसी वजह से टूरिस्ट भी थोड़े कम ही आते हैं। अब टूरिस्ट कम होते हैं तो टेम्पल में जो स्टे का प्राइस है वो कम हो जाता है। वैसे पीक सीज़न में ये प्राइस जाता है 30,000 से 40,000 येन तक, और विंटर में थोड़ा कम हो जाता है। तो हमने शरीर को थोड़ा कष्ट दिया और विंटर में ट्रिप प्लान किया। वैसे हमने शायद 7 या 8 हज़ार येन पे किया था। स्लिपरी। तो जिस टेंपल में हम रुके थे उस टेंपल का नाम था फुकुचिन टेंपल। ये 1200 साल पुराना है और एक तरह की लॉजिंग टेंपल है। यहाँ मॉन्क्स रहते हैं और इस टेंपल की देखभाल भी करते हैं। अच्छा, इन टेंपल्स के रूल भी हैं। तो सबसे पहला रूल फॉलो करते हुए अंदर चलते हैं, शूज उतारना। तो चेक इन करते टाइम हमें दिया गया युकाता, और युकाता पहन के हम ऐसे लग रहे थे ऐसे सही में पुराने जमाने में ही पहुंच गए। एकदम सही में ऐसे फील आ रही है ऐसे पुराने ज़माने में पहुंच गए हूँ। तो ये जो टेंपल है ये कोयासान में है। तो यहाँ पे लोग एक्सपीरियंस करने आते हैं कि एक मॉन्क की लाइफ कैसी होती है, बस एक दिन के लिए। तो यहीं पे आपके मॉन्क की यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल है, और ये लोग कोयासान छोड़ के जा नहीं सकते, यहाँ के जो लोकल मॉन्क हैं। तो यहाँ के टेंपल के भी ऐसे रूल हैं कि आप 9 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते, मतलब 9 बजे टेंपल बंद हो जाता है बिल्कुल। तो यहाँ का रूटीन क्या है, बहुत सारे रूल्स हैं कि यहाँ पे आप अल्कोहल नहीं ला सकते, मीट नहीं खा सकते और बाहर का खाना नहीं खा सकते, और जो खाना यहाँ दिया जाएगा वही आपको खाना है। कुंचुआ। आज हम रुके हैं एक बुद्धिस्ट टेंपल में। तो बुद्धिस्ट टेंपल में घर ऐसा होता है, मतलब रूम ऐसा होता है। यहाँ पे आपको मिलेगा खिड़की और ये लाइट और क्या है, हाँ, द टीचिंग ऑफ बुद्धा, और हीटर और ततामी रूम होता है। और यहाँ पे मुझे पहले लगाई बैठने के लिए, लेकिन ये हुआ है ग्रीन टी, इसमें ग्रीन टी बना सकते हो, और पानी गर्म करने का भी दे रखा है। और रूम इतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितनी ये जगह इंटरेस्टिंग है। तो बाहर चल के दिखाता हूँ और क्या क्या है। यहाँ पे पुराने आर्टिफैक्ट भी रखे हुए हैं, सिर्फ पता नहीं पुराने समुराई की ड्रेस, वॉरियर्स की कटाना भी है, और ये रियल आर्मर है, मतलब कॉपी नहीं है। तो ये टेंपल काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ था और इसके बहुत सारे सेगमेंट्स भी थे। सबसे इम्पोर्टेंट तो प्रेयर रूम था ही, उसके बाद गेस्ट हॉल था, एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग भी था, और किचन भी था जहाँ पे खाना वाना बनाते हैं। तो पहले खाना खाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे आपको बाकी का टेंपल दिखाते हैं। ये रहा हमारा खाना। टीना, कैन यू एक्सप्लेन द फूड? दिस इज सोय बीन सूप, दिस इज tofu, because Koyasan is made out of Mirarupsana, famous for tofu. And this is sweet potato salad, I think. Then, kore wa? It's soup. 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 And this is tofu. Tofu. And this cost 4,000 yen. I don't know why. ये नीचे आग जलाई है उन्होंने और ये पेपर का है। This is paper, yo. It's not burning. सही तरीका पकाने का, नीचे आग लगी है और ये खाना पक भी गया। तो हमें लगा खाना तो आ चुका है, शुरू करते हैं, लेकिन तभी और खाना आ गया।
ありがとうございます。तो मेरा तो ये बुद्धिस्ट टेम्पल में पहली बार है स्टे, लेकिन टीना पहले स्टे कर चुकी है, स्कूल की तरफ से लेके आए थे इनको, तो ये सारे रूल्स बताएगी टीना। बैक टू यू। सो टीना, व्हाट आर द रूल्स इफ समवन वांट टू स्टे इन बुद्धिस्ट टेम्पल? आई केम टू दिस टेम्पल फॉर कैंप व्हेन आई वाज इन स्कूल, लाइक द अदर फार्म कैंप, बट वी आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक अल्कोहल, वी आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग इन स्टफ फ्रॉम आउटसाइड, वी आर नॉट अलाउड टू लाइक येल आफ्टर नाइट, लाइक वी आर नॉट अलाउड टू डू लाइक related to gambling in the temple. Mm. And we're not allowed to go out of the temple after 9, but I broke all the rules except for gambling. I'm not alcohol, but how old were you? I was 18. And you're not allowed to eat meat during this whole camp, but I had to stay 5 days, so I went to eat meat with my friends. I got in trouble. I got out at 9 p.m. I got in trouble. I was talking to monk after 9. I got in trouble. So, sabse pehle try karte hain ye. तो जैपनीज खाना खाने से पहले बोलना पड़ता है इताताके मास। मोची। That's tofu, right? तो ये पूरा खाना में 4,400 का पड़ा। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। This is my favorite, tempura. मम्मी। My favorite is soy sauce. तो वहाँ पे खाना खाने का टाइम 6 से 9 होता है और 9 बजे टेम्पल पूरा बंद हो जाता है, मतलब ना कोई अंदर आएगा और ना कोई बाहर जाएगा, और शोर तो बिल्कुल भी नहीं मचाना होता। और यूजुअली लोग क्या करते हैं कि वो 9 बजे ओनसेन चले आते हैं, और फिलहाल मैं ओनसेन का पार्ट स्किप करता हूँ क्योंकि एक पराए मर्द को नहाते हुए कितनी देरी देख लोगे। अब चलते हैं सोने, क्योंकि अगले दिन सुबह 5 बजे उठना है मॉर्निंग प्रेयर के लिए। सुबह के 5 बजे और अब हम जा रहे हैं प्रेयर करने, और वहाँ युकाता में नहीं जा सकते, वहाँ ऐसे नॉर्मल कपड़े पहन के जाने रूल है। तो अंदर से मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर था। चैंटिंग से पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे बुद्धिज्म इंडिया से चाइना और जापान में फैला था, और फिर शुरू हुई प्रेयर। और बाद में उन्होंने सारे मॉन्क की पेंटिंग और पिक्चर्स भी दिखाई जो 1200 साल में इस टेंपल पर रहे थे और जिन्होंने सर्व किया था। तो प्रेयर के तुरंत बाद हम एक रूम में गए, वहाँ पर बुद्धिज्म के बारे में बताया जाता है, और इन सूत्र और मंत्रों का मतलब क्या होता है ये भी एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने बोला अपने विशेष को अपने मन में रख के इस मंत्र को ट्रेस करो, जो कि पूरा कांजी में था। तो छापने में तो मैं बचपन से तेज हूँ, तो सबसे पहले मेरा ख़त्म हुआ। ये तीन की कांजी, मेरी कांजी। तो टेंपल में वैसे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो हमसे कराई गई थी, लेकिन वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था, जैसे कि मेडिटेशन और टेंपल की सफाई एट्सेट्रा। वैसे यहाँ इस तरह के गार्डन भी थे, तो अभी तो यहाँ स्नो जमी है, लेकिन समर में ये बहुत सुंदर दिखते हैं, और ये सारा मेंटेन करने का काम करते हैं मॉन्क्स। वैसे वाकायामा में एक बहुत बड़ी सीमेंट्री भी है, ओकुनोइन सीमेंट्री, तो अब वहाँ लेके चलते हैं। तो आज हम आए थे ओकुनोइन सीमेंट्री, और ये जापान की सबसे बड़ी सीमेंट्री है। चलते चलते हो गया हमको 30 मिनट। और यहाँ पर खास बात यह है कि लोगों की तो है ही है यहाँ पर सीमेंट्री, लेकिन कंपनीज़ की भी हैं, मतलब जैसे याकुल्ट हो गई, UCC हो गई, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ की इन्होंने अलग से बना रखी हैं, तो उनके फाउंडर्स की उन्होंने सीमेंट्री टाइप का बना रखा है। तो वैसे तो कब्रिस्तान की इमेज ऐसी होती है ना, थोड़ी डरावनी सी, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है इतना शांत सा और बहुत सुंदर है और वेल पॉपुलेटेड है, और उन्होंने सेगमेंट्स बना रखे हैं, फॉरनर्स के अलग हैं और कंपनीज़ के अलग हैं और जैपनीज लोग के अलग हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी रैंडम किसी श्राइन में आ गए, और ये वर्ल्ड हेरिटेज है, तो यहाँ जो भी श्राइन होंगी ना, वहाँ पे उस तरह से ओमी कीजी मिलेगा, वहाँ पानी पीने को है। और यू नो सर, यू बर्न योर लास्ट ईयर्स लक, यू शुड बर्न ऑल ऑफ देम, यू हैव बैड लक, आई हैव गुड लक, इफ इट्स गुड लक इमोशनल डैमेज। तो हमारे कोयसान का ट्रिप तो यहीं समाप्त होता है, और ये वीडियो भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सह परिवार धन्यवाद, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय।